टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के शंकर मंदिर के पास में डिजिटल महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम खास तौर पे विकलांगों के लिए था और हल्दी कुमकुम का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। आपको बता दें, खास तौर पर डिजिटल महाराष्ट्र जो है ये एक न्यूज़ चैनल के साथ साथ एक संस्था के रूप में भी काम करता है, जिसके संपादक हैं रोहित शेरके। कल इस कार्यक्रम में मुमरा के जाने माने लोग पहुंचे थे, जैसे शमीम खान, सैयद अली अशरफ भाई साहब, पल्लवी शिवा जगताप, रिदा रशीद, तमाम ऐसे और लोग मौजूद थे। दरअसल डिजिटल महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के 3 साल सफलतापूर्वक होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि शहर के तमाम मुद्दों पर बेबाकी से आवाज़ उठाने के लिए डिजिटल महाराष्ट्र चैनल को जाना जाता है और इस कार्यक्रम में मुमरा शहर के तमाम पत्रकार भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को लेकर सैयद अली अशरफ भाई साहब ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, मगर सबसे पहले सुनिए कि डिजिटल महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के संपादक जो हैं रोहित शिरके, उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी दी है। 2019 में 1 जनवरी को, वरना बंदी 1 जनवरी को ही था, लेकिन थोड़ा कुछ कारणों की वजह से मार्च में करना पड़ा, मतलब ये महीने में। आप देख रहे हो डिजिटल महाराष्ट्र सामाजिक संगठन, ये भी हमने लॉन्च किया, जिसके जरिए सामाजिक क्षेत्रों में काम करने के लिए, न्यूज़ चैनल तो है ही, हम सब मीडिया भाई सामाजिक क्षेत्र में काम करने के न्यूज़ चैनल का उपयोग करते हैं, लेकिन सामाजिक संगठन के तरफ से काम करना मतलब उसमें प्रभाव अलग रहता है। इसीलिए मैंने मेरे बिजनेस के नाम से, प्राजक्ता शिरके के नाम से, मैंने उसके अध्यक्ष के इसके पद पे उसको डिजिटल महाराष्ट्र समाज संगठन की शुरुआत करके दी और आज का उसका दिन था। इसी के जरिए अभी आने वाले दिनों में और सामाजिक कार्यों में हम सक्रिय रहेंगे। ओके, तो सर आपने जैसे कहा कि एक डिजिटल महाराष्ट्र ऑलरेडी एक न्यूज़ चैनल है और साथ ही में एक सामाजिक संस्था यानी एक ट्रस्ट जैसा डेवलपमेंट होगा, तो आने वाले दिनों में किस फैक्टर के अंदर, मतलब एक ट्रस्ट रहता है, कोई एजुकेशनल फैक्टर के अंदर काम करता है, कोई अलग अलग जिस अपने सेगमेंट में काम करता है, तो आप किस सेगमेंट में काम करना चाहेंगे? मुझे पॉलिटिकल फील्ड में काम करना बहुत अच्छा ही था, लेकिन इसके बावजूद और भी थोड़े सेक्टर से हम काम करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल इसके लिए हम मैं चॉइस करता हूँ, क्योंकि इससे हम एक नेता को, नेता की एक नेता को पसंद कर सकते हैं, लोगों तक वो नेता को लेके जा सकते हैं और हमारे गली से लेकर दिल्ली तक का विकास कर सकते हैं, मतलब अपना भारत को बनाने की जिम्मेदारी एक चौथा स्तंभ के ऊपर होती है और उसका प्रयास हम डिजिटल महाराष्ट्र के जरिए कर सकते हैं। और डिजिटल महाराष्ट्र का आज का वर्धापन दिन था, इसके लिए आज बहुत से मान्यवर यहाँ पे आए, नागरिक यहाँ के आए, बहुत से रहवासी यहाँ पे थे, सभी का यहाँ पे आने के लिए, पत्रकारों का यहाँ पे आने के लिए, मेरे पत्रकार भाइयों का आने के लिए यहाँ पे, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब प्रैक्टिस में कोई चीज़ ज़्यादा आने लगती है तो उसको जनता जो है कहीं ना कहीं किनारे करने लगती है, तो आप ऐसा करो कि प्रैक्टिस में ऐसा दिखना चाहिए कि सर्वभाव संभाव, पर्टिकुलर भाई साहब नहीं, पर्टिकुलर अवार्ड साहब नहीं, पर्टिकुलर अब बोल रहा हूँ शानू पठान नहीं, कम से कम सबको, पूरे शहर को अच्छी जब आप न्यूज लेके जाओगे, और कंप्रोमाइज मत करो, मुमरा में कंप्रोमाइज तुरंत होता है, फट से झगड़ा होता है, थोड़ा से कंप्रोमाइज होता है, ये नहीं कम से कम 2-3 साल के लिए लड़ने का ही आदमी से तो लड़ाई हुई, नहीं तो ये तो ऐसा हुआ कि सुबह गाली दिए शाम में दोस्ती, तो ऐसे उसमें ना फिर आपकी मर्यादा खत्म हो जाती है, जनता के बीच में जो आपका ये डिजिटल महाराष्ट्र जो आज ये आप लोगों सामने हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए, बहुत बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया की तो बहुत बड़ी ताकत हो गई, बल्कि बड़ी मीडिया को लोग अब ये दिखने लगे कि ये तो मोदी का चैनल है, ये तो पवार साहब का चैनल है, ये राजीव गांधी का चैनल है, लेकिन डिजिटल मीडिया की आज बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, क्योंकि अच्छे और सच्चे पत्रकार उसके अंदर गए और उन्होंने पूरा देश के अंदर एक अलग माहौल खड़ा किया। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा और आपसे ये अपेक्षा रखूंगा कि आप जो है इस मुमरा को, और मुमरा की खराब न्यूज मत दिखाओ, नेगेटिव कम कर दो,
सबसे निवेदन है, मैं हमेशा बोलता हूँ, नेगेटिव कम करो, पॉजिटिव ज्यादा करो, अच्छी न्यूज निकालो, पक्षपात मत करो, किसी के बोलने पे काम मत करो, अपना मन क्या बोलता है उस पे। और मैं ये चीज मानता हूँ, कोई किसी को नहीं चला सकता सिवाय ऊपर वाले के। वही रोजी का देने वाला है, वही रोटी का देने वाला है। अब मैं सोचूंगा अवार्ड साहब चला लेंगे, भाई साहब चला लेंगे, पठान साहब चला लेंगे, जमीन खान साहब, ये सब चुतिया पंती वाली बात है। सिर्फ चलाने वाली जात अल्लाह और ईश्वर है, वो आपको रिस्क देता है।